नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द वायर टीवी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ यानी शुगर के बारे में। हमारे इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और देखने के बाद दूसरे लोगों को भी आप बताएं ताकि देश में बढ़ रही शुगर की समस्या कम हो सके, खत्म हो सके। दोस्तों आखिरकार ये शुगर की समस्या है क्या, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हम आपसे ये कहते हैं कि बीमारी का उपचार ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा ज़रूरी है बीमारी का कारण जानना, क्योंकि ये कारण ही एक ऐसा शब्द है जिसको हम समझ लेंगे तो शायद ही कोई व्यक्ति बीमार पड़े। दोस्तों शुगर भी एक समस्या है जिसमें हमको पहले इसका कारण जानना है और फिर आगे का स्टेप लेना है। आप सोच रहे होंगे कि शुगर तो मीठा खाने से होती है और यही इसका सबसे बड़ा कारण है, तो दोस्तों शुगर होने का असली कारण आप लोग नहीं समझेंगे तो आपकी मधुमेह डायबिटीज कभी भी ठीक नहीं होगी। अभी तो हम आपको ये बताने जा रहे हैं, उसको आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आगे आने वाली सभी वीडियोज़ में हमारे साथ जुड़े रहें। दोस्तों शुगर मीठा खाने की वजह से नहीं होती है, इस बात को आप जल्द ही समझ जाएंगे। होता क्या है, जब हम भोजन करते हैं तो हमारा भोजन पेट में जाकर एक प्रकार के ईंधन में बदलता है जिसे ग्लूकोज कहते हैं। यही एक प्रकार की शर्करा होती है। यही ग्लूकोज हमारे खून में मिलकर शरीर की लाखों कोशिकाओं में प्रवेश करता है और हमें ताकत और एनर्जी प्रदान करता है। परंतु इस शुगर को एनर्जी में बदलने के लिए हमारे शरीर में इंसुलिन का होना बहुत ज़रूरी है। इंसुलिन की मदद से ही ग्लूकोज कोशिकाओं तक पहुंच पाता है। हमारे पेट के नीचे पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय होता है जो हमारे शरीर में इंसुलिन पैदा करने का स्रोत होता है। अगर ये अग्नाशय ठीक तरह से काम नहीं करता तो शरीर में इंसुलिन बनना कम हो जाता है जिसके कारण खून में मौजूद शुगर कोशिकाओं में नहीं पहुंच पाती है और खून में ही रह जाती है और फिर ये शुगर जमा होकर बढ़ती ही जाती है जिससे हमारा शुगर लेवल हाई हो जाता है और हमें डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है। कुछ स्थितियों में अग्नाशय बिल्कुल ही काम करना बंद कर देता है तो इस वजह से शरीर में इंसुलिन बनना पूरी तरह से रुक जाता है। ऐसी स्थिति डायबिटीज़ टाइप 1 को जन्म देती है। जो लोग हेल्दी भोजन करते हैं, जो अच्छी जीवन शैली जीने के साथ साथ शारीरिक एक्सरसाइज भी करते हैं, उनका पैनक्रियाज यानी अग्नाशय हमारे स्वास्थ्य हमेशा ही उनका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा बना रहता है और वो लोग जितना भी मीठा खा लें उन्हें डायबिटीज की बीमारी नहीं होती। बॉडी में मौजूद शुगर जब एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती तो हमारा शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, जल्दी थकान हो जाती है, कभी कभी वजन भी घटने लगता है और हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमजोर होने लगता है। इस प्रकार की डायबिटीज ज़्यादातर छोटे बच्चों में या 20 साल के नीचे तक के लोगों में पाई जाती है। अब आइए डायबिटीज 2 की ओर। दोस्तों टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों के शरीर में इंसुलिन की मात्रा तो पर्याप्त होती है पर खून में वसा यानी कि गंदा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से ये गंदा कोलेस्ट्रॉल हमारी कोशिकाओं के चारों ओर चिपक जाता है और खून में मौजूद जो इंसुलिन है वो कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता। इंसुलिन की जो मात्रा है वो तो पर्याप्त तो होती है किंतु उसके द्वारों को नहीं खोला जा सकता, अर्थात पूरे ग्लूकोज की ओर ग्रहण कर सकने के लिए रिसेप्टरों की संख्या जो होती है वो कम हो सकती है। वो इंसुलिन शरीर को मतलब किसी भी प्रकार से काम में नहीं आ सकता, जिस कारण जब शुगर लेवल चेक करते हैं तो शरीर में हमेशा शुगर का स्तर बढ़ा ही हुआ ही रहता है क्योंकि वो कोशिकाओं तक नहीं पहुंची। अब आप समझ गए होंगे कि मधुमेह का रिश्ता कोलेस्ट्रॉल से है ना कि शुगर से। दोस्तों ऐसी स्थिति डायबिटीज टाइप 2 को जन्म देती है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा लोग इसी प्रकार के मधुमेह से पीड़ित हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कोलेस्ट्रॉल का क्या चक्कर है, तो दोस्तों कोलेस्ट्रॉल एक तरह का वसा है जो कि हमारे गलत खान पान की वजह से शरीर में बनने लगता है। ये एक प्रकार का गंदा और चिपचिपा अव्यय पदार्थ है। अगर आप रोजाना अपने भोजन में वसा युक्त चीजों का ज्यादा सेवन करते हैं या वसा युक्त भोजन करते हैं तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते हमारे खून में मिल जाती है और हमारा खून गाढ़ा हो जाता है जिससे कि रक्त की नलिकाओं
और कोशिकाओं में खून के धब्बे जमने लगते हैं और ब्लॉकेज की समस्याएं हो जाती हैं, जिससे व्यक्ति का हार्ट अटैक, शुगर की समस्या, हाई ब्लड प्रेशर, पैरालिसिस, ब्रेन स्ट्रोक, लीवर खराब होना, किडनी खराब होना, आंखों में अंधापन जैसी लगभग 110 बीमारियां खून में वसा कोलेस्ट्रॉल की वजह से आती हैं। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये वसा युक्त चीजें कौन कौन सी हैं? तो आइए मैं उनके बारे में भी आपको बता दूं। जिसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है उसे अंडा, मांस, मछली, डालडा, रिफाइंड ऑयल, डायरी उत्पाद, जंक फूड, पेस्ट्री, केक, आइसक्रीम, मीट, भुजिया, खाने में ऊपर से नमक डालकर खाना, ज्यादा कॉफी पीना, सफेद शक्कर से बनी मिठाइयों का अधिक मात्रा में सेवन करना, दोस्तों इन्हीं चीजों से अधिक सेवन से हमारे शरीर में वसा फीड की मात्रा बढ़ जाती है और हमें बीमारी का शिकार होना पड़ता है। तो इनसे आपको बचना है या बहुत ही कम मात्रा में इनका सेवन करना है। दोस्तों, आपने ये तो जान लिया कि किन किन चीजों के सेवन से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अब जानते हैं कि बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम किया जाए ताकि खून साफ हो सके और कोशिकाओं के चारों ओर चिपका कोलेस्ट्रॉल दूर हो सके, जिससे खून में मौजूद शुगर की कोशिकाओं में प्रवेश करने लगेगा और हमें ताकत और एनर्जी मिलने लगेगी और धीरे धीरे हमारी शुगर की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, बिना समय गवाए अब जानते हैं कि इसके उपचार के बारे में। दोस्तों, डायबिटीज को ठीक करने के लिए जो सबसे पहला नुस्खा है वो है गुड़हल के पत्ते। दोस्तों, गुड़हल यानी हिबिकस का पेड़, ये आपको किसी भी गार्डन या नर्सरी में आसानी से मिल जाएगा। इस नुस्खे को बनाने के लिए गुड़हल की 8 से 10 पत्तों को आप अच्छी तरह से पीस कर चटनी बना लें। फिर एक ग्लास पानी में 3 से 4 चम्मच चटनी को अच्छी तरह मिलाकर रात भर आप उसे रख दें और फिर सुबह उठकर खाली पेट इस ड्रिंक का सेवन करें। दोस्तों, गुड़हल के पत्तों में फ्योरिक एसिड पाया जाता है जो डायबिटीज की बीमारी में ज्यादा कारगर होता है। अगर आप इस नुस्खे का 15 दिन लगातार इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि शुरुआत के 10 दिनों में ही आपका शुगर लेवल बहुत अच्छी तरह से इम्प्रूव हो जाएगा और 15 दिन में तो बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा एक बहुत ही असरदार नुस्खा है, वो है सहजन के पेड़ के पत्ते। दोस्तों, ये भी बड़ी आसानी से मिल जाती है क्योंकि ये बहुत आसानी से मिल जाने वाला पेड़ है। इस पेड़ में एक तरह की फली लगती है जिसको सुरजरी की फली कहा जाता है। इसे बनाने के लिए एक गिलास पानी के साथ एक कटोरी ताजी सहजन की पत्तियों को डालें और फिर उसे मिक्सर में चलाकर इसका एक जूस तैयार कर लें। फिर इस जूस का सेवन रोजाना आप सुबह या शाम खाना खाने के आधे घंटे पहले करें और साथ ही इस ड्रिंक को लेने के एक घंटे तक किसी भी दवाई का सेवन ना करें। जिस टाइम आप अपनी दूसरी दवाइयां लेते हैं उसमें कम से कम एक घंटे पहले या एक घंटे बाद इसका सेवन करना है। दोस्तों, सहजन के पत्तों के अंदर स्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है जो हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा को प्राकृतिक रूप में तेजी से बढ़ाता है, जिससे हमारा ब्लड शुगर लेवल कम होता है। और जो लोग रोजाना इंसुलिन के लिए इंजेक्शन या दवाइयां ले रहे हैं उनके लिए प्राकृतिक इंसुलिन की तरह है। इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म और इम्यून सिस्टम मजबूत करता है और हमारे शरीर में कमजोरी को दूर करके ताकत प्रदान करता है। दोस्तों, इस ड्रिंक का नियमित सेवन करने से टाइप 2 डायबिटीज को जड़ से खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा एक और नुस्खा है, इसे बनाने के लिए आपको जरूरत होगी तेज पत्ता यानी कि बेल लीव्स, बेल के पत्ते, जामुन के बीज और आखिर में मेथी दाने की। इस नुस्खे को बनाने के लिए बेल के पत्ते और जामुन के बीजों को आप धूप में रखकर अच्छी तरह से सुखा लें और फिर पूरी तरह सूख जाने के बाद इन्हें मिक्सर में अच्छी तरह से चलाकर दोनों का पाउडर बना लें। इसके बाद आप 100 ग्राम जामुन के बीज में 150 ग्राम बेल के पत्तों का पाउडर मिलाएं। फिर इसमें आप 50 ग्राम सूखे हुए पत्तों का पाउडर डालकर 50 ग्राम मेथी दाने का पाउडर मिलाएं। इसी तरह से सारी चीजों को मिलाकर एक चूर्ण तैयार हो जाएगा। इस चूर्ण का रोजाना खाली पेट सुबह शाम 1 से 1.5 चम्मच खाना खाने के 1 घंटा पहले गर्म पानी के साथ पिएं। दोस्तों, बेल पत्र के अंदर एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि शरीर में शुगर की मात्रा को कम करती हैं। इसके अलावा जामुन के अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं और साथ ही इसमें अधिक मात्रा में फाइबर भी होता है जो डायबिटीज
में चमत्कारी रूप से फायदेमंद साबित होता है। दोस्तों इस अद्भुत नुस्खे को पूरा आप समय से लोग अगर आप इस्तेमाल करते आ रहे हैं, इसको पुराने समय से ये जो है यूज होता है और बहुत लोग इससे फायदा भी उठा रहे हैं। ये डायबिटीज की बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए अब तक का सबसे असरदार नुस्खा है। दोस्तों डायबिटीज की बीमारी शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से होती है, ना कि मीठा खाने की वजह से। अगर आप भगवान द्वारा बनाई गई कोई भी मीठी चीज खाना चाहते हैं तो निसंकोच खाइए, पर एक बात का ध्यान रखिए कि चीनी और चीनी से बनी हुई जितनी भी मिठाइयां हैं उसका आप प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये सफेद धीमा जहर है जो अंदर जाकर पचता नहीं है। दोस्तों अभी मैं इसकी गहराई में नहीं जाना चाहती क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा अगर हम इस विषय पे बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम चीनी के बारे में विस्तार से बताएं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आप अगर चीनी का इस्तेमाल करते हैं तो उसे तुरंत बंद कर दीजिए और उसकी जगह आप गुड़ खाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप गुड़ खाना शुरू कर देंगे तो सारा पैसा किसी गरीब किसान को जाएगा और वो आत्महत्या करने के लिए विवश नहीं होगा। और अगर आप शक्कर खाते हैं तो सारा पैसा विदेशी कंपनियां लेकर जाती हैं, क्योंकि ज्यादातर शक्कर बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां विदेशी ही हैं। इसलिए गुड़ खाइए और कभी भी बीमार मत पड़िए। और इस वीडियो में बताए गए उपचार को जरूर करके देखिए और खुद भी प्रयोग करने के बाद बाकी उन लोगों को भी बताइए जिनको इनकी जरूरत है, क्योंकि देश में शुगर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अपनी इसकी जानकारी हर व्यक्ति को होना बहुत जरूरी है, चाहे उसे शुगर हो या नहीं। इसलिए इस वीडियो को भी आप शेयर कर दीजिए ताकि ये जानकारी आगे बढ़ सके। अगर आपको हमसे कुछ पूछना है तो आप हमें अपने कमेंट के द्वारा आप हमसे पूछ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।